वीडियो में हम फोटो सेंस या एल्बम सेंस कैसे रजिस्टर, कैसे डाउनलोड और कैसे परचेज करें वो देखेंगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए ब्राउज़र ओपन करो, गूगल क्रोम भी चलेगा। यहाँ कंपनी की वेबसाइट यानी insidelogicsoftware.com ओपन करें। वेबसाइट हमारी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। वेबसाइट खुलते ही यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करो। यहाँ पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मेल आईडी डालें, कोई ऐसा मेल आईडी लिखिए जो यहाँ पर लॉगिन हो सके। फिर अपना मोबाइल नंबर और हमारी कंट्री सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा, तो अपना मेल चेक करें। अगर इनबॉक्स में ओटीपी नहीं आया है तो स्पैम फोल्डर में चेक करें और यहां से ओटीपी कॉपी करके वेबसाइट में आकर पेस्ट कर दे। और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो हर बार मटेरियल या सॉफ्टवेयर के अपडेट डाउनलोड करने के लिए आप यहां से ही लॉगिन करके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। अभी के लिए लॉगिन आईडी होने पर यहां पर सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, आपका मेल आईडी, रजिस्ट्रेशन की तारीख वगैरह सब कुछ। उसके बाद यहां फोटो सेंस का मेन सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दो। यहां पर स्मार्ट ट्यूटोरियल यानी कि सॉफ्टवेयर यूज करते टाइम आपको सॉफ्टवेयर के फंक्शन सीखने हैं, तो जो फंक्शन पर आप क्लिक करोगे उस फंक्शन का पूरा ट्रेनिंग वीडियो ओपन हो जाए, ऐसी भी फैसिलिटी है, वो हम अभी बाद में देख लेंगे। उसके बाद डिजिटल मिक्सिंग के पेज यानी डीएम, प्री वेडिंग फोटो पेड, वेडिंग फोटो पेड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे के सारे मटेरियल जैसे बैकग्राउंड, मास्क, स्ट्रोक, क्लिप आर्ट वगैरह कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, उसका भी एक पूरा ट्रेनिंग वीडियो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए मेन सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड होते ही इसको ओपन करो, रन करो। ये जो बॉक्स ओपन हो रहा है उसमें नेक्स्ट करो। यहाँ पर आपको पाथ देना है कि आपको सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करना है। आप कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन याद रहे आप कोई ड्राइव में ही इसको इंस्टॉल करें, अपना खुद का कोई फोल्डर ना बनाए या कोई पुराना एल्बम सेंस का फोल्डर है उसमें भी इंस्टॉल ना करें। सिर्फ कोई ड्राइव सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दो। अभी के लिए हम इसको ई ड्राइव में ही इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ टर्म्स ऑफ यूज चेक करके आई एग्री सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो। अभी यहाँ आपके डेस्कटॉप पर दो आइकॉन आ गए हैं, एक फोटो सेंस का और एक रजिस्टर का। फिर आपको पेमेंट करवाना है, आप पेमेंट करवाने के बाद अपना लाइसेंस एक्टिव करवा दे और उसके बाद यहाँ रजिस्टर करना है। याद रहे लाइसेंस एक्टिव करवाने के बाद ही यहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर के आइकॉन को ओपन करके यहाँ अपना मेल आईडी डालें और रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। सॉफ्टवेयर के आइकॉन को राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन से सॉफ्टवेयर का मेन फोल्डर ओपन कर लो। अभी सॉफ्टवेयर की पीएचडी डिज़ाइन डाउनलोड करने के लिए टेम्पलेट डाउनलोडर को ओपन करो। यहाँ आपको हज़ारों डिज़ाइन दिए हैं, तो सबसे पहले यहाँ डिज़ाइन के सेटअप का डाउनलोड का पाथ यहाँ सिलेक्ट करना है। आप कोई भी जगह पर इसको सेव कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसे फोटो सेंस के फोल्डर में ही इसका पाथ दे देते हैं। यहाँ जो साइज की डिज़ाइन चाहिए वो साइज सिलेक्ट कर लो, 12x36 में से ये सारी डिज़ाइन बनेगी, ये सारी साइज की डिज़ाइन बनेगी। नीचे सारी डिज़ाइंस में से जो डिज़ाइन चाहिए उस पर क्लिक करोगे तो वो डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाएगी, और दोबारा क्लिक करोगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे जो भी डिज़ाइंस चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दो, लेकिन याद रहे आप सिर्फ सैंपल डाउनलोड कर रहे हो,
यानी आप जो डिज़ाइन डाउनलोड करोगे उसमें से 2 से लेके 12 फोटो वाली लगभग 80 से 90 जितनी डिज़ाइंस बनेगी, तो ये एक तरह की मैजिक PhD आप डाउनलोड कर रहे हो। डाउनलोड सिलेक्शन पर क्लिक कर दो। इंस्टॉलेशन का बॉक्स ओपन होते ही नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, लेकिन यहाँ पाथ चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगा। और ये सारी डिज़ाइनें फोटोसेंस के फोल्डर में PH डेटा के फोल्डर के अंदर वेडिंग एल्बम में इंस्टॉल हो जाएगी। अभी हम सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं, जो कि डेस्कटॉप पर भी आ गया है। यहाँ से फोटोसेंस के आइकॉन पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, यहाँ से कंटिन्यू कर दो। ऑटोमेटिक एल्बम बनाने के लिए विंडो मेन्यू में ऑटो एल्बम पर क्लिक कर दो। यहाँ से हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है, जहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम, सेव पाथ, एल्बम कैटेगरी, साइज, फोटो का फोल्डर, ये सब कुछ सिलेक्ट करके ओके कर दो। नीचे गैलरी में फोटो ओपन हो जाएगी। फोटो सिलेक्ट करके ऑटो पेज पर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक एल्बम का पेज बन जाएगा। वैसे ऑटोमेटिक एल्बम बनाने की ट्रेनिंग के वीडियो की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से भी देख सकते हो। अभी हम फिर से वेबसाइट पर आ जाते हैं। हमारी स्मार्ट ट्रेनिंग के वीडियो की बात हो रही थी, तो यहाँ इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है वो सेटअप आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम DM की डिज़ाइन कैसे डाउनलोड होती है और कैसे यूज़ होती है वो देख लेते हैं। यहाँ आपको सारी DM की डिज़ाइन मिलेगी, जो डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर लो। DM, फोटोपेड, प्रीवेडिंग की सारी डिज़ाइंस zip फाइल में डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद ओपन करो, डिज़ाइन को सिलेक्ट करो। यहाँ एक्सट्रैक्ट टू के ऑप्शन पर क्लिक करके डिज़ाइन जहाँ पर सेव करने हैं वो पाथ सिलेक्ट कर लो। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फोटोसेंस में ओपन कर सकते हैं और यहाँ कटिंग फोटो को डबल क्लिक से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी जो हमने स्मार्ट ट्यूटोरियल डाउनलोड किया है उसको ओपन करो, इंस्टॉल कर लो, लेकिन यहाँ पर भी पाथ चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में आते ही हेल्प मेन्यू में ट्यूटोरियल मोड ऑन कर दो, फिर जो टूल पर आप क्लिक करोगे वो टूल का पूरा ट्रेनिंग वीडियो यहाँ ओपन हो जाएगा। इस तरह के सारे ट्रेनिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।